तो मेरे हिसाब से ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि खरीदना कहाँ से है। हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल गैजेट्स मंच पर आपका स्वागत है और आज के वीडियो में हम रिव्यू और अनबॉक्सिंग करने वाले हैं डी होम की तरफ से आने वाले इस एक मिनी पोर्टेबल रिचार्जेबल फैन का। मैं काफी टाइम से एक फैन सर्च कर रहा था जो कि मुझे अपने रूम में अपनी टेबल पर रखकर मैं उसे यूज कर सकूं, क्योंकि दोस्तों जिस रूम में बैठ करके मैं अपना काम करता हूं वहां पर कोई भी फैन नहीं है। तो काफ़ी टाइम से मुझे एक ऐसे फ़ैन की तलाश थी जो कि पोर्टेबल हो, उसे मैं कहीं भी रख करके यूज कर सकूं। तो फाइनली मुझे डी मार्ट में डी होम की तरफ से ये एक पोर्टेबल मिनी फ़ैन मिला है, तो मैं आपको इसका एक रिव्यू और अनबॉक्सिंग देने वाला हूं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, क्या क्या बॉक्स कॉन्टेंट आपको देखने को मिलते हैं और कैसी प्रोडक्ट की क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों इससे पहले, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल पर आपको ऐसे ही बजट कैटेगरी के बेस्ट प्रोडक्ट्स के वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। अब देखते हैं अनबॉक्सिंग को। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं डी होम्स के रिचार्जेबल मिनी फैन का बॉक्स आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है रिचार्जेबल मिनी फैन और प्राइसिंग आप इसकी देखेंगे तो 449 रुपीज़ की ऑफर प्राइस में हमें मिला है। इसकी एक्चुअल प्राइस यहाँ पर आपको साइड में लिखी हुई मिल जाएगी 500 रुपीज़, लेकिन ये 449 की ऑफर प्राइस में भी आपको मिल रहा है। इसके अलावा हम कुछ टेक्निकल डिटेल की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ टेक्निकल डिटेल इसके बारे में मिल जाती है, जैसे कि आपको इसके अंदर 1.8 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, यानी कि 1800 mAh की बैटरी इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर 6 से 8 घंटे का चार्जिंग टाइम है और यहाँ पर इसके अंदर आपको लाइट भी मिलती है प्लस फैन भी मिलता है। तो इसके अंदर आप 7 घंटे अगर स्ट्रॉन्ग लाइट को यूज़ करेंगे तो 7 घंटे तक आप लाइट को यूज़ कर सकते हैं, मीडियम पर यूज़ करेंगे तो 18 घंटे और लो पर यूज़ करेंगे तो 65 घंटे तक आप इसकी लाइट को यूज़ कर सकते हैं, और मीडियम स्पीड पर यूज़ करेंगे तो 3 घंटे यूज़ कर सकते हैं, और लो स्पीड पर यूज़ करेंगे तो 4.5 घंटे लगातार आप इस फैन को यूज़ कर सकते हैं। अब फटाफट से इसको बॉक्स से बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि कैसा ये फ़ैन आपको देखने को मिल जाता है। बॉक्स की सील्ड मैंने पहले ही रिमूव कर दी थी, क्योंकि जब मैं वहाँ से लेकर के आया तो इसे चेक करके वो लोग देते हैं आपको। तो बॉक्स को मैं साइड में रखता हूँ, देखते हैं फ़ैन कुछ ऐसे रेफर में आपको देखने को मिलता है, ये कुछ ऐसा फ़ैन आपको देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए हम फ़ैन को थोड़ा सा साइड में रखते हैं। यहाँ पर आपको एक यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाता है, इसके अंदर सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, कैसे इसको यूज करना है, कितना चार्ज करना है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई हैं और आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मैंने पढ़ लिया। मैं बता देता हूँ आपको कि आपको इसे चार्ज करना है, जब आप इसे चार्ज करेंगे तो यहाँ बैक में एक लाइट दी हुई है, ये लाइट ब्लिंक करेगी, मतलब ये लाइट ब्लिंक कर रही है, बंद चालू हो रही है, मतलब ये फ़ैन चार्ज हो रहा है, और जब ये स्टिल बंद हो जाएगी या स्टिल चालू रह जाए तो मतलब आपका फ़ैन फुल चार्ज हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इसको साइड में रखते हैं, यूज़र मैनुअल को साइड में रखते हैं, और इसके अंदर एक चीज़ और आपको देखने को मिल जाती है, ये पावर केबल जो कि चार्ज करने के लिए मिलती है आपको। और पावर केबल की मैं क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी इसकी डिसेंट सी ही आपको देखने को मिल जाती है, और लेंथ भी आपको लगभग मैं बात करूँ तो 3 से 4 फीट के आसपास आपको इसकी लेंथ देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं फ़ैन की। तो फ़ैन की बिल्ड क्वालिटी की मैं बात करूँ तो बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी देखने को लगी। यहाँ पर ये पोर्शन आपको लाइट का दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर इतनी बड़ी लाइट है, जहाँ पर 11 पीसेस आपको एलईडी के अंदर देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर एलईडी और फ़ैन के दो अलग अलग इंडिकेटर्स दिए हुए हैं। मैं एलईडी वाले बटन को प्रेस करता हूँ तो ये लाइट चालू हो गई और काफ़ी अच्छा उजाला ये देती है, और ये अभी चल रही है अपनी फुल ब्राइटनेस पर। एक बार और प्रेस करेंगे तो ये मीडियम पर चली जाएगी, और एक बार और प्रेस करेंगे तो ये लो पर चली जाएगी, और एक बार और प्रेस करेंगे तो ये ऑफ़ हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर देखते हैं हम फ़ैन को, जैसे ही मैं ये वाला बटन एक बार प्रेस करता हूँ ये फ़ैन चालू हो गया है, और सिंगल अभी ये चल रहा है अपनी सबसे लो स्पीड पर। एक बार और मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये मीडियम स्पीड पर आ गया है, और इसके अलावा एक बार और मैं इसको प्रेस करता हूँ तो ये फुल स्पीड पर आ गया है। आपको इसकी नॉइज़ थोड़ी बहुत सुनाई दे रही होगी वीडियो के अंदर, और इसकी हवा के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आप ये देख सकते हैं ये इसका रैपर किस तरीके से उड़ रहा है इसके पीछे। थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ और मैं इस थोड़ा सा ऐसा करके इसको छोड़ता हूँ तो ये मतलब दोस्तों हवा का थ्रो काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है, लगभग 4 फीट के आसपास तक ये आपको अच्छा थ्रो दे देगा। इसको एक बार आप प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, और बाकी इसके ऊपर आपको कोई भी पोर्ट्स देखने को नहीं मिलते, केवल यहाँ पर आपको एक चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है और एक
एलईडी लाइट देखने को मिल जाती है और यहाँ पर आपको एक हल्का सा हैंडल टाइप देखने को मिल जाता है जिसे आप उठा करके कहीं भी रख सकते हैं। नीचे की साइड आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर चार रबर ग्रिप्स मिल जाएगी जिससे ये काफी अच्छी तरीके से सेट हो जाता है। तो दोस्तों अनबॉक्सिंग आपने देख ली और मैंने एक दिन इस फैन को यूज भी कर लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका एक्चुअल रिव्यू की कैसा क्या इसकी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है, कैसा एयर थ्रो देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको एक बटन देखने को मिलता है, तीन अलग अलग स्पीड पर यह फैन चलता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूं इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी मुझे काफी सॉलिड देखने को मिली, प्लास्टिक काफी अच्छी क्वालिटी का यूज यहां पर किया गया है। बिल्कुल भी दोस्तों ये हाथ में लेने पर चीप नहीं लग रहा है, काफी अच्छी और प्रीमियम क्वालिटी का लग रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर मैं इसके एयर थ्रो की बात करूं तो एयर थ्रो यहां पर काफी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है, एक इंसान के हिसाब से सफिशियंट है। अगर आप दोस्तों ऑफिस के लिए इस टेबल फैन को परचेस करना चाहते हैं या एक टेबल पर आप जहां पर भी बैठकर के काम करते हैं अपने लैपटॉप वगैरह पर, तो वहां पर दोस्तों ये फैन आपको सफिशियंट एयर दे पाएगा, वहां पर आपको ये काफी अच्छी हवा प्रोवाइड कर देगा। अब यहां पर ये बटन को आप देखेंगे तो यहां पर आपको तीन अलग अलग मोड देखने को मिलते हैं। सबसे पहले चलता है ये नॉर्मल मोड पर, दूसरी बार आप प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा मीडियम मोड पर, और तीसरी बार आप इसे प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा हाई स्पीड पर। और हाई स्पीड पर दोस्तों मैं बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा एयर यहां पर आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा दोस्तों मैंने इसको लगभग 3 घंटे तक मैंने इसको यूज किया क्योंकि मैंने लगातार काम करते हुए इसको चालू रखा और मैंने इसको बिल्कुल लो मोड पर रखा था क्योंकि लो मोड पर ये इतनी हवा दे पा रहा था कि मेरे लिए सफिशियंट थी, मुझे उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैंने इसको लो मोड पर लगभग 3 घंटे तक चलाया, उससे मैंने इसको पूरी तरह से फुल चार्ज कर लिया था और 3 घंटे के बाद में भी अभी ये अच्छी कंडीशन में चल रहा है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इसकी स्पीड के अंदर थोड़ी सी भी कमी आई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको एक LED भी देखने को मिल जाती है, तो ये अभी सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस पर चल रही है, इसके अंदर भी आपको 3 ब्राइटनेस देखने को मिलती है। मैं एक बार और प्रेस करूंगा तो ये मीडियम पर आ जाएगी, एक बार और प्रेस करूंगा तो ये लो पर आ जाएगी, और एक बार और प्रेस करूंगा तो ये बिल्कुल ऑफ हो जाएगी। और दोस्तों ये फैन मैंने परचेस किया है 449 यानी कि 450 रुपए में। और दोस्तों मैंने काफी ऑनलाइन सर्च कर लिया, मुझे कोई भी फैन ऐसा नहीं मिला जिसके सारे रिव्यूज अच्छे हों और मुझे कोई ऐसा परफेक्ट नहीं लगा जिसे मैं ऑर्डर कर सकूं, इसलिए मैंने ऑर्डर नहीं किया। और फाइनली दोस्तों परसों के दिन मैं गया था डीमार्ट और वहां से मुझे ये फैन मिल गया जो कि मुझे काफी पसंद आया है। तो अब दोस्तों अगर आपके आसपास की सिटी में या आप जिस सिटी में रहते हैं वहां पर अगर डीमार्ट है तो आप वहां जाकर के इसे परचेस कर सकते हैं, वहां पर ये आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा इसका एक और बड़ा फैन भी आता है जो कि लगभग 850 का आपको देखने को मिलता है। आपको मैं इमेज बता दूंगा, इमेज आप यहां पर देख सकते हैं, कुछ ऐसा वो देखने को मिलता है। उसमें केवल फर्क इतना है कि इस पोर्शन को आप थोड़ा सा टिल्ट कर सकते हैं और फैन में आपको थोड़ी सी साइज उसकी बड़ी देखने को मिल जाएगी, लगभग 1/2 इंच के करीब, इससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। और एयर थ्रो की मैं बात करूं तो एयर थ्रो उसका थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन एक व्यक्ति के लिए सफिशिएंट है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि आप इसे कहां कहां यूज कर सकते हैं। आप दोस्तों अगर इमरजेंसी में लाइट बंद हो जाए घर की और आपके घर में एक छोटा बेबी है तो उसके लिए आप इसे यूज कर सकते हैं, आराम से सफिशिएंट है, 3-3.5 घंटे आराम से ये चल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर लाइट बंद हो जाती है तो लाइट के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर ऑफिस में काम करते हैं, अपने घर में काम करते हैं जहां पर आपको केवल एक व्यक्ति के लिए हवा चाहिए तो वहां पर भी दोस्तों ये इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए काफी कारगर है, एक व्यक्ति के लिए इसकी हवा काफी रहती है। नॉर्मली दोस्तों काफी सारे लोग अपने घर में एक 10,000 mAh का पावर बैंक रखते हैं और अगर आपके पास में पावर बैंक है फिर तो दोस्तों आप इससे आराम से 10 से 12 घंटे इसे कंटिन्यू चला सकते हैं उस पावर बैंक के साथ में, क्योंकि दोस्तों इसमें है 1800 mAh की बैटरी और 1800 mAh में ये आराम से 4-4.5 घंटे चल जाता है। तो पावर बैंक रहता है 10,000 mAh का, अगर उसमें से 8,000 mAh की पावर भी आपको मिले तो आसानी से आप इसे आराम से 10-12 घंटे यूज कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि खरीदना कहाँ से है। अगर आपके पास में डीमार्ट है तो आप उसे वहां से खरीद सकते हैं, नहीं तो दोस्तों डीमार्ट का एक ऑनलाइन स्टोर भी है, गूगल पर सर्च करेंगे डीमार्ट ऑनलाइन स्टोर तो वहां पर ये आपको मिल जाएगा और मैं इसको सर्च करूंगा, अगर मुझे इसका लिंक मिल जाएगा तो मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो आप एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर लीजिएगा और वहां से इसे आप परचेस कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये प्रोडक्ट और वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ में और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।